मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये तीन लोग जिन्हें बड़ी बेरहमी से एक नकाबपोश ने मार दिया था, ये कौन थे? क्या ये तीनों विक्टिम्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या फिर ये तीन अलग अलग हत्याओं का मामला था? क्या इन तीनों को इतनी बेरहम मौत देने वाला कोई साइको किलर था, या फिर इन तीनों के हत्यारे भी अलग अलग थे? ये केस साल 2019 का एक ऐसा चौंका देने वाला केस था जो इंसान के लालच, अहंकार, अवसरवाद और निर्दयी होने का एक अविश्वसनीय चेहरा पेश करता है। इंसान हूं, घोड़ा नहीं हूं। जब देखो घास फूस खिलाती रहती है, तब रात को घास फूस, अभी भी घास फूस। ए चिकन बनाने को तेरे हाथ टूटे क्या रे? कहां से लाऊं? तू तो कुछ कमाता है नहीं, और मैं जितना कमाती हूँ ना झाड़ू कटका करके, उसमें से घास फूस भी आए तो बहुत है। ए, ताने दे दी मुझे। जरा कुछ बोली ना, मार डालूंगा तुझे मैं। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही अपने आप को मार दूंगी। बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी तुझसे शादी करके। अब प्यार तो अपना बचा नहीं बीच में, कुछ तो मिलना चाहिए ना। तू चाहता क्या है? ज्यादा नहीं रे, खाली 25,000 बस। कल आता हूँ लेने। ये नायक मैडम बहुत किचकिच करती है ताई। कल मेरे को बोलती है बर्तन घिसने का साबुन कैसे खत्म हुआ, तू लेके गई क्या? हाँ तो बोलने का ना, लेके नहीं गई, खा गई मैं। गरीब है करके सुन के नहीं लेने का। अच्छा सुन लक्ष्मी, मैंने सुना तेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ पागल, बड़ी खुश हो रही है। हाँ सुन, हम जैसी गरीब लड़कियों के नसीब में सिर्फ झाड़ू पोछा करना है और रोना है। क्या ताई? अच्छा सुनो, मैं इधर से शॉर्टकट लेके जाती है, वरना नायक मैडम वापस किचकिच करेगी। जल्दी पहुंच जाएगी मैं इधर से। हाँ संभाल के जाना, संभाल के। मानसी जी। भैया मम्मी घर पे नहीं है, लेट आएगी। तो तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं हूं ना घर पे। सॉरी। कुछ चाहिए आपको? क्या क्या हुआ भैया? ये क्या कर रहे हो आप भैया? कब से देख रही हूं आपके नाटक। आइंदा से ऐसी गलती की ना तो तुम्हारी मां को बोल दूंगी और पुलिस में दे दूंगी तुम्हें, समझे? ये ले। वैसे तो मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तो फिर भी गिन लेता हूँ। क्या ना पैसे का मामला है ना, रिश्तों में जब पैसे आते ना तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। ए प्रतीक, तू इधर क्या कर रहा है? इधर पैसा निकाल, चल। ए साले, इतना दिन बाद मिला, चाकू दिखा रहा है मेरे को? सिर्फ दिखा नहीं रहा हूँ, अगर पैसा नहीं मिला ना तो मार भी डालूंगा, समझा? पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं पैसा मैं? ए यारा, किसी और को बना, समझा? चल पैसा दे, चल। क्या कर रहा है? मेरा इलाज का पैसा है रे मेरे को। अरे इलाज कर तो लिया तूने अपना, ठीक से खड़े भी हो नहीं पा रहा है। मेरा पैसा वापस कर, पैसा वापस कर। क्या हुआ, कौन है? एक काम कर, पैसा ले, निकल चल, निकल। ये बहुत कम है, मैं वापस लेने के लिए आऊंगा, समझा ना? चल निकल, चल वापस, बताना रे। अरे क्या हुआ, कौन है, किस बात का शोर है, कौन था ये? चोर था। पैसा अच्छे छीन लिया, देख। तेरे जैसे बेवड़े के हाथ से कोई भी छीन के चला जाएगा। और कहाँ से आए? हाँ कहाँ से आए तेरे पास? तेरे पैसे कहाँ से लाया? मेरे पास कहाँ से आए, तू कौन है पूछने वाली? अपने काम से काम लग, चल।
30,000 में मान जाएंगे। हाँ 30,000। भैया जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या करने आया था वो कमीना यहाँ, तो फिर उसके चक्कर में पड़ गई ना। वो तो बस उसके पेपर्स रह गए थे, वो वही लेने आया था। भैया I swear ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट करिए। पानी है रे जास्ती ना, नेतागिरी नहीं करने का। अभी खाली पानी डाला है, अगली बार एसिड डाल के ना ये पूरा चोकटा जला देगा। जास्ती सान पट्टी नहीं, चल निकल निकल। क्या रे इतना मैसेज किया, कॉल भी किया तुझे, तू रिप्लाई भी नहीं किया, बिजी थी क्या? मैं तुझे एक रुपया भी देने वाली नहीं हूँ। एक रुपया किसको चाहिए? आ? और इतना गुस्सा क्यों? चार पैसे के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है? जा, जो तुझे करना है वो तू कर। एक बार तुझे 30,000 दे दी ना, 30,000 में मैं तेरी सुपारी देके तुझे मरवाना तू। ए कमीनी, मेरी सुपारी देगी तू? देख मैं क्या करता हूँ, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा मैं, वायरल कर दूंगा वीडियो। ए मानसी, दरवाजा क्यों खोल के रखा है रे? एड़ी कहेगी। ए मानसी, कहाँ चली गई साली? इसने फोन भी बंद रखा है क्या? तू अंदर कैसे आया रे? पैसा निकाल चल। आज दिमाग मत खराब कर, समझ रहा? चल निकल, चल निकल। ए पैसा दे मेरे को वरना मैं तेरा सर फोड़ देगा। तू मेरा सिर फोड़ेगा क्या? समझ रहे, नाटक मत कर, चल निकल। सर लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्डर कुछ घंटे पहले ही हुआ है, और लड़की की उम्र ज्यादा लग भी नहीं रही। चेहरे को बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ है ताकि पहचान ना हो उसकी। शायद मारने वाला इसकी पहचान छुपाना चाहता हो। सर पेट पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है किसी बड़े चाकू या चॉपर जैसे बड़े हथियार से। लेकिन बात समझ नहीं आ रही सर, ये जगह इतनी सुनसान है, आखिर ये लड़की यहाँ करने क्या आई थी, वो भी अकेले? हो सकता है उसको यहाँ लाया गया हो, ये आसपास की बस्ती की हो सकती है। तृप्ति सर, सेक्सुअल असॉल्ट है क्या, चेक करो। सर फिर के काफी सुनसान जगह है। हाँ सर, आसपास कोई बस्ती वगैरह भी नहीं है। सर सेक्सुअल असॉल्ट से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बाकी सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। सर ये फोन मिला है, ऑन है शेर के? नहीं सर बंद है। इसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो, ये फोन इस लड़की की पहचान करवा सकता है। पर आसपास के बस्ती में इस लड़की के बारे में पूछताछ करो, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, इस तरह के लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है कि। ठीक है सर, मॉडल पाठों पोस्टमार्टम में। सर सर जिस लेडी की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका फोन चेक किया सर, नॉर्मल फोन था, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं था। सर जो सिम कार्ड है वो मानसी पाटिल के नाम रजिस्टर्ड है और गणेश चौल का एड्रेस है। इतनी गरीब औरत का कौन दुश्मन हो सकता है शिरकी, इतनी बुरी तरह से उसको मारा है।
हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि वो मानसी पाटिल है या नहीं। एक काम करो, उसका एड्रेस पे जाओ, देखो कोई मेडिकल रिपोर्ट मिलती है क्या। अगर मिला तो उसके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करवाओ। और एक काम करना, आसपास पूछताछ करना किसी के साथ उसकी दुश्मनी या किसी के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक है सर। यही एड्रेस है ना दुपती? दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे कोई है क्या? कर दे, जरा अंदर चेक करो। सर ये तो ब्लड लग रहा है, हो सकता है कि मर्डर यही हुआ। सर लाश के पेट में 5 से 7 बार वार किया गया था, काफी खून बहा था। सर यहाँ देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और उस हालत में लाश को वहां लेके जाना आसान नहीं था। लेकिन ये ब्लड देखकर लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक काम करो सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और यहाँ से फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल सब कलेक्ट करो। और जरा अंदर जाओ, कुछ पेपर वगैरह मिलता है क्या, उसके बाद में पड़ोसियों से बात करते हैं। सर तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? अरे अपने को पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, तू अंदर चल। हेलो, क्या चेहरा जानबूझ के बुरी तरह कुछ लगा है और किसी धारदार चीज से बॉडी को काटा गया, रफली काटा गया। वैसे हम आसपास तलाश कर रहे हैं, इस बॉडी का निचला हिस्सा ढूंढ रहे हैं सर, बट अभी तक कुछ मिला नहीं है और ना ही कोई हथियार वगैरह मिला। सर हमने पूरा एरिया चेक किया लेकिन इसका मोबाइल फोन आइडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, ऐसे किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेंट है क्या? ठीक है सर। सर पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि मानसी घरों में अपना काम करके अपना खर्चा चलाती थी और उसकी 6 महीने पहले संतोष नाम के आदमी से लव मैरिज हुई थी, लेकिन सर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक और बात सर, ये मानसी ही घर का पूरा खर्चा उठाती थी, काफी मेहनती और ईमानदार औरत थी सर। ये संतोष क्या करता है? सर फिलहाल तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन पहले वो ड्राइवर का काम करता था, फिर खुद का टैक्सी बिजनेस शुरू करने के लिए उसने ड्राइवर का काम छोड़ दिया और तब से लेके अभी तक खाली है सर। एक और बात सर, ये संतोष भी 2 दिन से गायब है, हमें उसके घर में उसका मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ये मर्डर जिसका हुआ, ये बॉडी अगर मानसी की है और उसका पति भी गायब है या फरार है, तो उसने पर्स और मोबाइल घर पे जानबूझ के छोड़ा होगा। इन दोनों का बाहर किधर अफेयर था? सर ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला, पर मानसी जिन 3 घरों में काम करती थी उनका कहना है कि बहुत ही सीधी सादी और मेहनती औरत थी, और फैमिली के नाम पे सिर्फ संतोष ही है। एक और बात सर, जिस दिन संतोष और मानसी गायब हुए उसके 1 दिन पहले उस मोहल्ले से एक चाय वाला भी गायब हुआ है, उसका फोन भी बंद है सर। चाय वाला? एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, हमें उस घर में एक ब्लड रिपोर्ट भी मिली थी जिसके ऊपर मानसी पाटिल का नाम लिखा हुआ था। सर हमने उस ब्लड ग्रुप को डेड बॉडी के DNA से मैच करने के लिए भेजा था, सर वो मैच हो गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो डेड बॉडी मानसी पाटिल की ही है। सर ये PM रिपोर्ट। सर मानसी की PM रिपोर्ट के हिसाब से उसे गला दबाकर मारा गया और सर उसके बाद उसके पेट पर किसी चॉपर या बड़े हथियार जैसे चीज से वार किया गया और पत्थर जैसे किसी चीज से उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। उसके बॉडी पे जो घाव है उससे तो ऐसा लगता है कि किसी धारदार चाकू से उसको मारा गया है, मतलब कसाई लोग यूज करते ना वैसा चाकू। हमें जो आदमी के बॉडी का ऊपरी हिस्सा मिला है उसका भी चेहरा बिगाड़ा गया था, ऐसे ही किसी कसाई वाले चाकू से उसके बॉडी के 2 हिस्से किए गए थे। सर आपका मतलब है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हो सकता है सर, अगर इस थ्योरी पे हम काम करते हैं तो फिर हमें मानसी की बॉडी भी टुकड़ों में मिलनी चाहिए थी। उनको वक्त नहीं मिला होगा, मानसी को उन्होंने मारा, टाइम नहीं मिला, बॉडी को वैसे फेंक दिया। चलिए काम करो,
तुम्हारे खबरियों को अलर्ट कर दो, पता करो इस एरिया में उस दिन कोई कसाई गायब था या किसी ने दुकान बंद की थी या कोई अभी भी आया नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई कसाई इन्वॉल्व जरूर होगा। सर, मानगांव में एक आदमी की डेड बॉडी का निचला हिस्सा मिला है। करने, चेक करा। सर, मिला कुछ नहीं? सर, ऐसा कुछ नहीं मिला। शेर के क्या बॉडी संतोष की हो सकती है? अगर ये बॉडी संतोष की है तो संतोष ने मानसी को मारा, कि हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। फिर इन दोनों को किसने मारा? कोई दूसरा आदमी हो सकता है, लेकिन क्यों मारेगा? और सर, अगर ये लाश संतोष की नहीं है तो फिर किसकी हो सकती है? वैसे सर, हमें संतोष के घर पे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, उसमें भोसले नगर का एड्रेस है। करडे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, पर अपने पास जो बॉडी का हिस्सा है उसे मैच करवा के देखो। देखो दोनों पार्ट एक ही आदमी के हैं क्या? सर, सिरके सर, भोसले नगर। जी, आपका नाम? अलका पाटिल। संतोष पाटिल को जानती है? अच्छी तरह से जानती हूँ। पति था मेरा, 2 साल पहले ही मर गया। मगर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्या यही था आपका पति? हाँ, यही था। क्या हुआ आई, कौन है? अरे रुक रुक, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास? साहब, वो बच्चा है ना, डर गया। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं क्या बोलूँ साहब, 2 साल पहले हम दोनों को मरने के लिए छोड़ के चला गया। उसी दिन मर गया था मेरे लिए, वापस नाम भी नहीं लिया मैंने उसका कभी। साथ में कितने साल रहे आप लोग? 15 साल। वैसे तो ड्राइवरी करता था, पर मेरे को बोला खुद की टैक्सी का धंधा करना है, बहुत मेहनत करनी है। मैं भी पागल उसके झांसे में आ गई। शादी के बाद मेरे को पता चला एक नंबर का हलकट था वो, बस फोकट का पैसा चाहिए था उसको। मेरे को तो पहले से ही शक था कि उसका बाहर चक्कर चल रहा है, और सच भी था साहब, हम दोनों को छोड़ के चला गया वो अमीर औरत के पीछे। और वो घटस्फोटित होती थी। अमीर औरत? वो तो घर काम करने वाली थी ना, मानसी। तीसरी थी वो, उसके पहले वो रिया के साथ था ना, लेकिन अब क्या कर दिया उसने? किसी चौथी को फंसाया क्या आप लोग इतनी पूछताछ कर रहे हैं? अरे, हमें एक आदमी और औरत की बॉडी मिली, हमें शक है कि वो संतोष और मानसी की। अच्छा ही हुआ साहब, जिस तरह का आदमी था ना वो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं साहब, वो सुन के थोड़ा शॉक लगा। आखिरी बार कब मिले? जिस दिन हमको छोड़ के चला गया ना, उसी दिन। बाद में नहीं देखा कभी उसको। और तुम? बहुत टाइम हो गया साहब, अब याद नहीं है। शिरके, ये अलका संतोष मरा हुआ है समझकर विधवा का जीवन जी रही है, लेकिन फिर भी अलका को संतोष के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसने रिया को कब छोड़ा, मानसी के साथ कब शादी की, और संतोष के बारे में बहुत गुस्सा भी है। शिरके, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संतोष का मर्डर इसी ने किया है। हो सकता है सर। सर, मैं काम करता हूँ, प्रतीक का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच करता हूँ, और ये संतोष के कॉल रिकॉर्ड, सर इसमें रिया का नंबर मिला है। रिया और संतोष लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे पिछले 2 महीने से, और संतोष के मर्डर के 2 हफ्ते पहले इन दोनों ने आखिरी बार बात की थी। सर, बाकी की डिटेल्स का फोन खुलने के बाद ही पता चलेगा। तब तक रिया से बात करते। सर, 3 साल पहले मेरा मेरे पति मनोज के साथ डिवोर्स हो गया था, और फिर 2 साल पहले मैं संतोष से मिली। प्लीज प्लीज स्टॉप। सर, मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, प्लीज आप देख देंगे कुछ प्रॉब्लम है। ओके सर, संतोष नासिक जा रहा था, वहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, और टेम्परेरी उसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी और मुझसे कहा आगे चलकर ये बंद हो सकती है,
आप कहाँ तक जा रही है? नासिक। ओके फाइन, एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं आपके पीछे भी जाता हूँ, और कुछ रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं देख लूँगा, पर नासिक पहुँचते ही आप मैकेनिक को दिखा दीजिएगा। सर मैं सही सलामत घर पहुँच गई और हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी। सब बातें करते करते कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन हम दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया तो संतोष ने मुझे बताया कि वो एक ड्राइवर है। सर ये सुनकर मैं शॉक हो गई थी, पर जो उसने ईमानदारी से अपनी सच्चाई बताई वो मुझे अच्छी लगी। इसलिए अपनी एज का डिफरेंस और भैया की बातों को इग्नोर करते हुए हम दोनों ने शादी कर ली। पर वो पहले से ही शादीशुदा है ये बात उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताई, और तो और उसने मेरी ही मेड के साथ अफेयर करके मुझे धोखा दिया। दिमाग नहीं है इसका सर, पहले पति ने इसे धोखा दिया तो इसने कोई सबक नहीं लिया, बल्कि दूसरे के ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ गई, और वो भी एक ड्राइवर के। पता नहीं आज तक कितने पैसे उड़ाए होंगे संतोष पे। आपका नाम? आकाश। आकाश की तरह शांत रहिए। हाँ बोलिए। सर संतोष की सच्चाई जानने के बाद मैं सदमे में थी सर, इसलिए उसे मैंने अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर कर दिया। उसके बाद में कभी तुम एक दूसरे से मिले? फोन पे बात हुई? नहीं सर, ना मैंने उससे कभी बात करी ना मैं उससे कभी मिली। संतोष के कॉल रिकॉर्ड में तो दिख रहा है कि तुम्हारी बात होती थी। क्या तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी? सॉरी सर, मैं अब ये बकवास नहीं सुन सकता। सॉरी सर, भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की पर मैंने भैया की एक भी बात नहीं सुनी। एक्चुअली संतोष मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहता था, क्योंकि वो हाई फाई लाइफ जीना चाहता था मेरे साथ, क्योंकि उसकी मेड बीवी कभी पूरी नहीं कर सकती थी। पर मैं उसे मना करती थी सर, मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। सर आखिरी बार जब मेरी संतोष से बात हुई थी ना, तो मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो मुझे फिर से फोन करेगा तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। सर उसके बाद उसने कभी फोन नहीं किया। इस संतोष ने 3 शादियां की। सर हो सकता है कि संतोष का फिर किसी के साथ अफेयर चल रहा हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। हो सकता है कि उनमें से किसी ने संतोष का मर्डर किया। सर मुझे अलका और प्रतीक पर पूरा शक है। जैसे उस दिन उसने हमें देखकर रिएक्ट किया था काफी अजीब था। दोनों माँ बेटे के पास संतोष के मर्डर का मोटिव भी है सर। रिया भी तो हो सकती है क्योंकि उसका पहला पति उसको छोड़ के चला गया, दूसरा पति नौकरानी के साथ भाग गया, और इसी वजह से उसका भाई उसको बार बार ताने भी देता था और संतोष भी उसको बार बार वापस आने के लिए परेशान कर रहा था। उसने पुलिस की धमकी भी दी थी ना संतोष को, तभी वो चुप हुआ था। हाँ सर। सर क्या मुझे लगता है रिया हमसे कुछ छुपा रही है? पूरी बात नहीं बता रही है। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है आप मेल कर दीजिए। सर जिस डेड बॉडी के पार्ट हमें मिले थे उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है, मेल कर रहे हैं। आ गई सर। सर रिपोर्ट के मुताबिक जिस डेड बॉडी के पार्ट्स हमें मिले थे वो दोनों पार्ट्स एक ही बॉडी के हैं, और सर प्रतीक का डीएनए डेड बॉडी का डीएनए से मैच कर रहा है, मतलब सर वो डेड बॉडी संतोष की ही थी। सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि किसी चॉपर या बड़े हथियार से उसकी बॉडी के टुकड़े किए, और सर सर के पीछे एक चोट का निशान भी है। ठीक है, सर के पीछे चोट के निशान के अलावा बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये देख के तो मुझे ऐसा लगता है ये मर्डर, ये दोनों मर्डर किसी एक आदमी ने किए। ये कसाई वाला चाकू और चॉपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ मिली? सर मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा रखा है, वैसे सर मैं पर्सनली इसलिए नहीं गया, हो सकता है कि क्रिमिनल अलर्ट हो जाए। शिरके एक काम करो, मार्केट में किसी सुपारी के बारे में चर्चा है कि देखो, और ये अलका इसके घर की तलाशी फिर से लो, और ये संतोष के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इस केस की अहम कड़ी संतोषी है। ठीक है सर। सर ये लक्ष्मी है, मानसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती है। मानसी? मैं सुनी मेरी ताई का मर्डर हो गया, ये सच है क्या? मानसी तुम्हारी ताई थी? ताई नहीं थी साहब, ताई से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। अब ऐसे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि बॉडी मानसी की है। अभी साबित नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन मार सकता है मानसी? साहब मेरे को लगता है कि रास्ते पे जाते टाइम जो लड़का मेरे को छेड़ता था ना, उसी ने किया ये सब।
चल तेरा शॉर्टकट आ गया, कल मिलते हैं। नहीं टाइम मैम, इधर आपके साथ आती है। कितना लंबा रास्ता है, जल्दी जा, वो नाइक मैडम ने तो वापस खिच खिच करेगी। ताई वो ये रास्ते पे एक लड़का मेरे को छेड़ता है। ए सुन 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 ए सुन ना, अरे कल से कब से परेशान हो रहा हूँ, कब से तेरा पीछा कर रहा हूँ, सुन तो बात करनी से। छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो 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 सकते ना। छोड़ो मुझे। अरे अरे कोई नहीं है बाबा, सुनना। क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है और तू रास्ता बदल लेगी? वो उस रास्ते पे भी आ गया तो? आती हूँ मैं, चल। दो कीच के कान के नीचे दूंगी ना तो पता चले। नहीं 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 सुनो ना, छोड़ो ना, बाबा को पता चलेगा तो फालतू में पंगा हो जाएगा। मना किया उन्होंने लफड़े में पड़ने को। मैं आपके साथ आती है ना यहाँ? नहीं, देखती हूँ आज मैं उसको। ताई मेरे को बोली भी थी कि रास्ता बदलने से वो तेरे को छेड़ना बंद नहीं करेगा, वो ये बात समझाने के लिए घर पे भी आई थी। ये क्या बात हुई काका, आपने लक्ष्मी का काम छुड़वा दिया? वो कमाएगी नहीं तो? नहीं चाहिए ऐसी कमाई, जवान लड़की है। काका वो हमें डराएंगे और हम चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। चाहे तो आप पुलिस के पास जाइए, चाहे तो उनको बोलो कि आपको आपकी पहचान छुपानी है, पुलिस आपकी मदद करेगी। बाबा हम लोग गरीब हैं, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। वैसे भी कुछ दिनों में हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अपना ध्यान रखना। इसलिए बाबा ने मेरा काम पे जाना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन ताई मेरे को फोन करके बोली थी कि उसका राड़ा हुआ है वो लड़के के साथ, और वो बराबर सबक सिखाई है उस लड़के को। नरमी पानी है रे, जास्ती ना नेतागिरी नहीं करने का। निकाल चल चल। ए, 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 लक्ष्मी को छेड़ता है और ऊपर से दादागिरी करता है। लगता है तुझे मैं बताती हूँ, पुलिस को फोन कर। अरे गलती हो गई। आज के बाद लक्ष्मी को छेड़ना मत। चल चल निकल निकल। अच्छा जा रहा है ना? चल जा। जा रहा है ना? अगर उसी वक्त तुम हमारे पास आती तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा लड़का कौन है, रहता कहाँ? भारत नगर चौक, पक्या नाम है उसका। सर पक्या को लेके। ठीक है सर। सर सर ये पक्या शहर से भाग गया है, मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया है। उसके लिए रेड अलर्ट जारी करो। ठीक है सर। सर हमने अलका के घर की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कोई मर्डर वेपन या सस्पेक्टेड वेपन नहीं मिला है सर। सर मानसी पाटिल के घर के पास जो चाय वाला फरार था उसको लेके आए। साहब हमारी चाय की दुकान तो चौल के अंदर ही है ना। अरे वो मालूम है तेरी चाय की दुकान चौल के अंदर है, तू छुट्टी क्यों बैठा था? तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? तू मानसी पे डोरे डालता था मानसी पे, और ये बात संतोष को पता चली इसलिए संतोष का और तेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो संतोष को मार दिया। नहीं नहीं साहब मैं मानसी को भी मारा। साहब मेरा 4 साल का बच्चा है साहब, तो वो बीमार पड़ गया था, उसकी दवा लेने के लिए मैंने कुछ पैसा उधार लिया था साहब, वो पैसा मैं चुका नहीं पाया तो कर्जदार तो रोज आके मेरे सर पे बैठ जाता था। बस साहब उसके चलते मैं मेरे गांव चला गया था। गांव चला गया था या भाग गया था? साहब मैं भागा नहीं था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, और साहब मेरा तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ साहब एक 14-15 साल का लड़का आता था, संतोष का उससे झगड़ा भी होता था साहब, और जिस रोज मैं मेरे गाँव गया ना उस रोज वो लड़के को मैंने भागते हुए देखा था हाथ में डंडा लेके। ये लड़का था? हाँ साहब यही तो था, ये लड़का था साहब। जब तक ये साबित नहीं हो ये सच बोल रहा है तो इधर ही रहेगा। सर मानस के घर से जो ब्लड मिला था वो संतोष के ब्लड से मैच हुआ है। सर एक और बात, सर मानसी के घर प्रतीक के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। और ये प्रतीक क्या कह रहा था, कई दिनों से बाप से मिला नहीं। नमस्ते साहब। हाँ जावेद बोल। सर संतोष एक नंबर का बेवड़ा था, वो अपने एरिया की एक दुकान से अक्सर सरफ खरीदता था। एक दिन उधार लेने दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उधारी देने से मना कर दिया। उसके बाद सर संतोष को बहुत गुस्सा आया, और संतोष ने गुस्से में बोला 2 दिन में उसकी दुकान खरीद लेगा, क्योंकि एक अकाउंटेंट है तो उसे 150 रुपए देने वाला है। लेकिन साहब उसने अकाउंटेंट का नाम नहीं बताया। दुकान खरीदने वाला था, सिरके जरा ज्यादा नहीं लगता? पर ऐसा कौन अकाउंटेंट है जो उसको लाखों रुपए देने वाला?
क्यों? आप लोग फिर से आ गए, क्या चाहिए? अरे अच्छे से तलाश लो घर की। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे घर पे कोई नहीं है। तुम्हें ना जाओ, कोई नहीं है वहाँ पे। मैडम प्रतीक घर पे नहीं है, कितनी बार बोलूं मैं? और ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो मैडम। मेरा बेटा, उसने कुछ नहीं किया है, उसका कुछ कसूर नहीं है, प्लीज उसको मत फंसाओ मैडम। हम फंसा रहे तो ये बताओ, प्रतीक को मानसी के घर के बारे में कैसे मालूम चला? मैडम प्रतीक घर में नहीं है। मैंने बोला था वो घर पे नहीं है, मगर आप लोगों की सुनते ही नहीं हो मेरी बात। तुम्हारा बेटा प्रतीक आएगा ना, तो उसे पुलिस स्टेशन ले आना, समझी? चलो। तड़े सादे कपड़े में कांस्टेबल यहाँ रखो, जैसे प्रतीक आए तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। सर, जावेद खबरी की इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक सुपारी किलर को उठाया है। क्या नाम है उसका? अंसारी, लॉकअप में सर। अंसारी किसके लिए था रे सुपारी? सुपारी के? आप उन किसका सुपारी नहीं लिया साहब? एक औरत एक आदमी को मारने की सुपारी लिया था ना पिछले हफ्ते नासिक में, एक औरत और एक आदमी दोनों का मर्डर हुआ है, और एक ही तरीके से हुआ है। तूने सुपारी लिया था ना पिछले हफ्ते? अपन वो संतोष नाम का एक आदमी और वो उसका औरत मानसी, हाँ, उसका मर्डर का सुपारी लिया था साहब। किसने दिया था सुपारी? वो रिया नाम की कोई औरत है साहब, लेकिन साहब लास्ट मोमेंट पे वो सुपारी कैंसिल कर दिया साहब। झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं साहब, आप मांगते तो रिया मैडम से, नहीं तो वो आदमी से पूछना जिसने अपन को मिलवाया था साहब। कौन था आदमी? नाम वो नाम तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो मेरे बंदे से मिला था, फिर वो उसने मेरे को रिया मैडम से मिलवाया था। सर, संतोष और मानसी की सुपारी मैंने ही दी थी। संतोष ने मेरे साथ धोखा किया था और मानसी ने संतोष को मुझसे छीन लिया था। अंसारी से किसने मिलवाया? बाबू ने। बाबू? ये कौन है बाबू? सर उसका पूरा नाम मकरंद प्रधान है, हमारा अकाउंटेंट है, हमारे लिए बहुत सालों से काम कर रहा है। मैं संतोष के धोखे से ना उभर नहीं पाई थी, उसकी वजह से फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मजाक बनकर रह गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संतोष को शांति नहीं थी, वो फिर भी मुझे तंग कर रहा था। और एक दिन बाबू घर पे पेपर साइन कराने के लिए आया। बाबू, तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मर्डर कर सकता हो? मर्डर? सॉरी, मजाक करी थी। ये लो, हो गया ना सब? हाँ मैडम, एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो मर्डर कर सकता है। तो बाबू ने ही अंसारी से मिलवाया था। मैडम अंसारी, सलाम। और 1,00,000 में डील फाइनल हुई थी, 30,000 मैंने एडवांस भी दिए थे। पर जब मेरा गुस्सा शांत हो गया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, मैंने वो डील कैंसिल कर दी थी। सुनो, मुझे कोई सुपारी नहीं देनी, वो जो मैंने संतोष और मानसी को मरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, वो सब कैंसिल कर दो। वो जो तुम्हें एडवांस दिया था ना, वो तुम अपने पास रख लो, उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसकी पहले सुपारी दी, बाद में कैंसिल की, फिर भी दोनों का मर्डर हुआ, झूठ बोल रही हो ना तुम? टिप्पणी, उसको अरेस्ट करो। सर आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने मर्डर किया है? अंसारी हमारे पास सब बक चुका है, वो सिर्फ मर्डर साबित होना बाकी है। सर पर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। किया नहीं, करवाया। ये बाबू कहाँ है? बाबू तो 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब बाबू भी गायब है? वो गायब है या उसको गायब करवाया? सर मैं बाबू को गायब क्यों करवाऊंगी, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बाबू का फोटो, फोन नंबर और पता चाहिए हमको। ठीक है सर। पड़ोसियों के मुताबिक बाबू अपनी पत्नी श्वेता के साथ ये घर बेचकर जा चुका था। वो कहां गया था इसकी जानकारी ना तो पड़ोसियों को थी और ना ही मकान मालिक को। तब पुलिस बाबू प्रधान के नासिक के बाहर वाले फार्म हाउस पर पहुंची, और वहां जो देखने को मिला वो बेहद चौंका देने वाला। शेर के बहुत बदबू आ रही है, करड़े ताला तोड़। सर
सर बॉडी लपट कर गाड़ी क्या सर, ये बॉडी तो बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी है सर, पास मार रहे सर, पता लगाना बहुत मुश्किल है कि मर्डर हुआ है या फिर आत्महत्या की है। चिंकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और ये बाबू प्रधान इसकी हर इंफॉर्मेशन निकाल, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। चल ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत कर, सच सच बता क्या हुआ। हाँ नहीं हूँ मैं इनोसेंट, और मेरे ऐसे होने का कारण मेरा बाप है। मैं बहुत नफरत करता हूँ अपने बाप से, वो मेरे आई को धोखा दिया, शादी पर शादी कर रहा था, फिर मैंने अपने खर्च के लिए उससे पैसे मांग लिए। पिछले कुछ हफ्ते बहुत पैसा आता था, फिर मैंने अपने हिस्से के भी पैसे उससे मांगे। वो कुछ करता तो नहीं था, तो इतने पैसे कहाँ से है उसके पास? वो कुछ मालूम नहीं साहब। फिर उस दिन मैं पैसे लेने गया, तब देखा घर खुला था, मैंने अंदर रुक के इंतजार किया, संतोष आया, मैंने संतोष से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, उल्टा मेरी बेइज्जती की उसने, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, गुस्से में आके मैंने उसके सिर पे डंडा मारा और उसके सिर से बहुत खून बह रहा था, मुझे लगा मर गया होगा इसलिए मैं वहां से भाग गया। फिर उसके मरने की कोई खबर आई नहीं, इसलिए मुझे लगा वो जिंदा होगा, पर उस दिन आप लोग आए, मुझे लगा आप लोग मुझे लेने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं बहुत डर गया था साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा है उसको। तृप्ति इसको जुवेनाइल कस्टडी लेके जाओ, पता करो सच बोल रहा है झूठ। चलो चिरके सर, पता करो संतोष के पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसको ये रिया ने दिया या कहीं और से आया? ठीक है सर। सर लगता है कि बाबू ने अपना फोन नंबर बदला है, जो नंबर हमारे पास था वो तो सर्विस में ही नहीं है, काफी पहले बंद हो चुका है। सर एक और बात, सर बाबू जो बाइक यूज करता था उसका नंबर हमारे हाथ लग गया है। गुड जॉब तृप्ति, बाइक को ढूंढना शुरू करो। अभी केस इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, पहले संतोष और मानसी का मर्डर हुआ, बाद में बाबू के घर में लाश मिली, बाबू गायब है, वो विक्टिम है या कल्प्रिट है ये नहीं पता चल रहा, और जिंदा या मुर्दा ये भी मालूम नहीं। तृप्ति हमें जल्द से जल्द बाबू तक पहुंचना है। रुकिए आप, नहीं जा सकती आप, अरे रुकिए बात करिए, बात करिए, छोड़ो मुझे। साहब क्या है, मेरे बेटे को क्यों लेके आए आप इधर, फंसाना चाहते हैं क्या उसको? मैंने कितनी बार बोला कि उसने कुछ नहीं किया। आवाज नीचे, दो साल से नाटक कर रही है ना विधवा बनने का, आपने तो कहा था संतोष का नाम नहीं लेती आप, उसको भूल चुकी हो, और तुम्हारा बेटा ब्लैकमेल करता है उसको, पैसा लेता उससे, ये चलता है? और जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता अंदर ही रहेगा। नहीं सर, छोड़ा ना, ले जाओ इनको सर, चलिए सर पाया पड़ते, चलिए चलिए आप छोड़ा ना सर, चलिए सर। सर बाबू के घर में जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी, सर घर में मिली मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव होता है कि वो डेड बॉडी श्वेता की थी, आई मीन बाबू की बीवी। सर श्वेता का डीएनए और ब्लड ग्रुप ये दोनों मैच करते हैं, तो हो सकता है ये मर्डर बाबू ने किया हो। सर ये भी तो हो सकता है कि श्वेता के साथ साथ बाबू का भी मर्डर हो गया हो। लेकिन दोनों मर्डर कौन और क्यों कर सकता है? सर बाबू प्रधान के बाइक का पता चल गया, वो सिन्नर सिटी में दिखाई दिए। सर मैं एमटीएम मोबाइल कंपनी से आई हूँ सर, मैं आपके एरिया का सर्वे कर रही थी सर, क्या आप अपना नंबर हमारी कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं? मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं बताता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं बाबू और मकरंद प्रधान। चल बहुत दौड़ा है रे तूने इन लोगों को, चल अब कहानी सुना। सर मुझे अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी खोलनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे,
जमीन मेरी बीवी श्वेता के नाम पर थी, लेकिन वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसके जाली दस्तखत करवाए और जमीन अपने नाम पर करवा दी और बेच दी। लेकिन मुझे पता था कि वो चुप नहीं बैठेगी, उसका इंतजाम करना भी तो जरूरी था। संतोष को मैं बहुत पहले से जानता था, मुझे पता था कि उसे पैसे की जरूरत है और इसीलिए उसे मैंने मिलने बुलाया। रिया ने भेजा तेरे को? रिया नहीं, भगवान ने भेजा तेरी मदद करने को। देवा चल काम की बात कर, चल मेरे को मालूम है तेरे को पैसे की जरूरत है, मैं देगा ना तेरे को पैसा पूरे 5 लाख। 5 लाख बदले में क्या करना है? मेरी बीवी श्वेता का मर्डर, लेकिन हाँ मर्डर नहीं सुसाइड लगना चाहिए। जिस दिन मैं सिंगर शिफ्ट हो रहा था उसी दिन मैंने संतोष को श्वेता का मर्डर करने के लिए कहा और फिर पुराना सिम कार्ड बदलवा कर नया सिम कार्ड लेके नए नाम से सिंगर शिफ्ट हो गया। लेकिन वो संतोष तेरे तक पहुंच गया, सुपारी के 5 लाख रुपए मांगे, तूने ना बोला, झगड़ा हुआ तुम दोनों में और इसलिए तूने संतोष और उसकी बीवी मानसी को मार दी। नहीं 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 सर, मैंने मानसी और संतोष का मर्डर नहीं करवाया। फिर उसकी सुपारी तो रिया मैडम ने दी थी, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाने का सोचा और 5 लाख रुपए में संतोष को श्वेता की सुपारी दे दी, क्योंकि मुझे पता था कि 5 लाख रुपए लेने के लिए संतोष जिंदा ही नहीं बचेगा और मेरा काम फ्री में हो जाएगा। ए शानिया, रिया ने सुपारी कैंसिल की थी मालूम है हमको, समझा? उस संतोष और मानसी को तूने मारा है? नहीं 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 सर, मैंने नहीं मारा है सर। ये तो ऐसा नहीं मानेगा, छिड़के श्वेता संतोष और मानसी तीनों का मर्डर चार्ज लगाओ इस पे। नहीं 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 सर, नहीं सर मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि रिया मैडम ने सुपारी कैंसिल कर दी थी। और आप ही सोचो ना, अगर मैं अपनी पत्नी श्वेता का खून मानने के लिए तैयार हूँ तो फिर मैं संतोष और मानसी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा। नमस्ते साहब, आओ अंदर। अरे आजा जावेद, क्या खबर लाए? सब मुन्ना नाम का एक लड़का है, कुछ दिन पहले उसके मालिक ने उसे बुच्छड़खाने से चोरी के इल्जाम से नौकरी से निकाल दिया था और साहब वो अपनी चिट्ठी में खुद बता रहा था कि उसके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने हाल ही में एक औरत और आदमी का खून किया था और एक सेठ ने उसे ढेर सारे रुपए भी दिए। तू सच बोलेगा तो नहीं मारेंगे? सब खाने के बांधे हुए थे साहब, पैसे भी नहीं थे, मैं दुकान में चोरी किया तो सेठ ने भी मेरे को निकाल दिया था। संतोष और मानसी को कैसे मारा बता? साहब मैं वो मानसी पे नजर रख रहा था साहब, उस दिन वो काम से लौटी तो मैंने देखा सुनसान रास्ता है तो मैं उसके पास गया और मैंने संतोष को फोन किया और हफ्ते भर में 10 गुना पैसा कमाने की स्कीम बताने के लिए एक जगह पर बुलाया साहब। किधर पैसे डालने का है? क्या किधर कमाने का? कैसे कैसे कमाने का? मत मार मुझे। मैंने उसकी बॉडी का 2 टुकड़ा किया और दोनों को अलग अलग जगह फेंक दिया साहब। तेरे सुपारी किसने दी थी? आकाश सेठ ने दिया था साहब सुपारी। रिया को पता था संतोष और मानसी की सुपारी तेरे को आकाश ने दी है? नहीं सर, मुझे पता था कि रिया ने सुपारी दी थी क्योंकि मैंने रिया को फोन पे सुपारी कैंसिल करने की बात करते सुन लिया था। मुझे कोई सुपारी नहीं देनी, वो जो मैंने मानसी और संतोष को मरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, वो सब कैंसिल कर दो, वो सब मैंने गुस्से में किया था। रिया मेरी बहन है सर, हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पहले उसकी मेट मानसी ने उसके पति संतोष को फंसा लिया। तू चाहता क्या है? खाली 25,000। और फिर संतोष वीडियो डिलीट कर, कर दिया। अलग होने के बाद भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने मुन्ना को संतोष और मानसी की सुपारी दी। पुलिस अगर इस केस की छानबीन कर हम तक पहुंच भी गई तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैं रिया से बहुत नफरत करता हूँ ताकि पुलिस को मुझ पर शक न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छिड़के संतोष और मानसी के मर्डर की इसकी चार्जशीट तैयार करो। अब मैं अनूप सोनी आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.